न्दना व्रज जनरञ्जना यशोदानन्दना व्रज जनरञ्जन यमुनाथीराबनचारी यमुुना तीरा बनचारी बन जय राधा कुञ्ज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरि हरि Hare कृष्णा हरे कृष्णा Hare कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राधा माधव की जय संबित भाषण भक्तवृंद की जय श्रीला प्रभुपाद जी महाराज की जय नितय गौर प्रमानंदे नहीं ठीक है उनका ज्ञान मेरा अंधस्य ज्ञानंजना सलाकया चक्रुन् मिलितम येन तस्मै श्री नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददन्तीशोपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुसीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्नित्वं त्वं सजीवम् शाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादानुसहगणलितां श्रीविशाखानित्वांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनितिनामिनीं नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणीं निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणीं हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकन्तनमस्तुतिं तप्तकञ्चनगौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरिप्रियं वन्शाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महाबदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य क्रिष्ना नाम्ने गोरद्विषये नमो जय चैतन्य श्रीकृष्णचैतन्य नित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधरशिवासादि गौर भक्त गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओ नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रील की उपाध्या कृपा से और सभी आचार्य गुरुवर्ग की कृपा से काल हम सुन रहे थे शरणागति इसका स्वरूप क्या है पहले समझना चाहिए उसका बदल उसका लक्षण क्या है इसको एक एक हम सुनेंगे बहुत बड़ा प्रसंग है तो साधु संग भक्त लोग का संग करने से शुद्ध भक्त लोग का संग करने से साधु संग करने से श्रद्धा जीव का अंतर में जो श्रद्धा है वो कर्म प्रति श्रद्धा है कर्म की दिशा से श्रद्धा है कभी कभी ज्ञान की दिशा से भक्ति की दिशा से श्रद्धा कभी जीव का नहीं है आप देख लीजिए कोई भी इधर भक्त बना है ना तो कोई भक्त लोग का शंकर के श्रद्धा यह जीप का अंतर में नहीं है इसीलिए साधु संघ शास्त्र में बोला है कर्म में श्रद्धा है दान पुण्य करने के लिए किसको प्रेरित करना नहीं पड़ता है जैसे देखो मेला वगैरह होता है ना लोग चले जाते चलो इधर दुर्गा पूजा है काली पूजा है बीज उनका अंतर में है हृदय में है कर्म प्रतिश्रद्धा पुण्य कमाने के लिए कर्म करने के लिए और ज्ञान के लिए मुक्ति के लिए ज्ञान कमाने के लिए उसका हो सकता है लेकिन भक्ति का जो श्रद्धा भक्ति में जो श्रद्धा है यह साधु संघ और भक्ति में श्रद्धा जो होता है पहले जब साधुसंग करते वो कोमल श्रद्धा रहता है लौकिक कोमल यह टर्म लगा है शास्त्रीय श्रद्धा नहीं हुआ है साधु संघ करने से सही सही स्वरूप से अंतरंग साधु संघ करने से अंतरंग मतलब साधु लोग मेरा जीवन है साधु लोग जो बोल रहे इसमें मेरा भलाई होगा ये जो अंतरंग संग होता है साधु को प्रसन्न करने के लिए मानसिक प्रस्तुत रहता है समझ रहे ना हम आते हैं तो कथा सुनते हैं चले जाते हैं भाई जिनका सेवा हम कर रहे हैं भगवान की सेवा कर रहे हैं भवन की जिम्मेदार जो साधु लोग रहे हैं, उनको भी सुख देना उनका मानसिक जो है मानसिक भावना उनका क्या है उनका मूड क्या है उनको कैसे खुश करना ये भी भावना हमारा मन में रहना चाहिए ये अंतरंग साधु संगत होता है इसे गुरु सेवा होता है लेकिन अंतरंग सेवा होता है तो सेवा करते हैं करते हैं जैसे गुरु जी बोल दे बोल रहे कि तुम पानी दो हम पानी दे दिए तो पानी पीने का बाद गुरुदेव का इसमें प्रसन्न हुआ कि नहीं हम क्या लक्ष्य करते हैं हमारा ये नहीं देता ठीक है गुरु जी बोले पानी पानी दे दो ये पानी अच्छा है ये ठंडी है ज्यादा ठंडी है क्या नहीं है हम पीने का बाद हमको महसूस नहीं होता है कि इसमें गुरुदेव का तृप्ति हुआ सेवा कर लेते हैं लेकिन सेवा का सुख जिनको सेवा कर रहे हैं उनको मिल रहा है कि नहीं ये भी नहीं ये नहीं देख रहे है। इसलिए वही रंग साधु संग हो जाता है शिष्य लोग का ये मेडिटेशन है ध्यान है जैसे गुरुदेव गुरुदेव के वाक्य पर ध्यान है गुरुदेव की सेवा पर ध्यान है जैसे कोई पुजारी आज गोर रिता की श्रृंगार कर लिए राधा वृंदावन चंद्र की श्रृंगार किए उस श्रृंगार करने के बाद कितना टाइम देखते हैं आज ऐसा हो गया ठाकुर जी को ऐसा नहीं करना था आज पगड़ी ऐसा हो गया फुलमाला ऐसा हो गया वो दुखी बन जाते हैं जो पुजारी किए ना उनको पूछो वो दुखी बन जाते हैं क्योंकि आज ठाकुर ठाकुर जी अच्छा नहीं लगते दुखी बन जाते यह अंतरंग भावना सेवा में अंतरंग होना चाहिए साधु संघ में अंतरंग होना चाहिए सब अंतरंग है भक्ति तो करते हैं लेकिन हो जाता है भक्ति का प्रिंसिपल ऐसा नहीं अंतरंग मूड को कैरी करना है भाव क्या है अंतरंग साधु संघ से जल्दी से जल्दी शास्त्रीय श्रद्धा आ जाता है तो शास्त्र तो हम पढ़ते हैं गुरु जी से सुनते हैं वैष्णव लोग से सुन से लेकिन विश्वास शास्त्रीय श्रद्धा क्यों नहीं होता है कोई प्रश्न कर सकता है क्यों नहीं हो रहा है मेरा विश्वासास्त्रीय श्रद्धा मतलब अतुट विश्वास श्रद्धा शब्द विश्वास का सुदृढ़ निश्चय श्रद्धा का ये विशेषण एडजेक्टिव सिदृढ़ और निश्चयात्मक ये क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि अंतरंग भाव से हम सेवा नहीं कर रहे करते तो करते हैं जैसे वैष्णव लोग को प्रसाद हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन मेरा सेवा है हम सोचते डिस्ट्रीब्यूशन फिनिश हो जाएगा मेरा राउंड बाकी है भाई ये मेरा सेवा है ना वैष्णव लोग प्रसन्न हुए कि नहीं इसमें अंतरंग भाव रहना चाहिए इसमें ज्यादा शास्त्रीय विश्वास जल्दी आ जाता है किसी भी पर किसी भी आइटम हो भक्ति में इसमें अंतरंग भावना रहना चाहिए और पहले तो शुरू होता है साधु संघ गुरु जी का सेवा साधु लोग का सेवा अंतरंग भाव से करना चाहिए इसमें शास्त्रीय श्रद्धा आ जाता है और शरणागति सनातन को यही बोल रहे हैं कि शरणागति आपका है इसका क्या प्रमाण है शास्त्रीय श्रद्धा है तब तो आपको पता चलेगा आप शरणागत है बोलने से पता नहीं चलता बोलना आसानी है बोलना तो आसानी है पढ़ना भी आसानी है लेकिन विश्वास लाना यह आसानी नहीं है बिल्कुल नहीं हम बोल देते हैं दूसरे को बोल देते हैं सुन भी लेते हैं बोल, हम जैसे बोल देते हैं जैसे सुन लेते हैं उतना परसेंटेज में हमारा फ़ायदा है क्या बोल देते सर्वधर्मान पर सब तो बोल देते हैं सुन भी लेते हैं नहीं इतना विश्वास नहीं होता है। तो इसका मतलब हमारा शरणागति नहीं है कालम सुन रहे थे ना तत्व तो तो जाताया या तत्त शरणापति रेव लिंगम मिथि दिग्दर्शन जो टीका है सनातन गोस्वामी ने लिखे हरिभक्ति विलास के ऊपर उन्होंने शर्ट फॉर्मूला दिए उनका नाम गोपाल भट्ट गोस्वामी को बोले को उनको बहुत ग्रंथ लिखना था ना गोपाल गोस्वामी को बोले कि तुम कलेक्शन करो कई कथा कई कथा कई कई शास्त्र में से लिखे हैं महाप्रभु ने आदेश दिए थे सनातन को सनातन का बहुत बिजू सिडल बिजी सिडल जैसे बोलते हैं ना क्यों सब करना है गोपाल आए मदन गोपाल आए गए मदन मोहन उनका सेवा करना है दूसरा शास्त्र भी लिखना है तो उन्होंने उनको एंगेज किया लेकिन वो जब इतना सुंदर से संग्रह किए कौन गोपाल भट्ट गोस्वामी ने तो बोले ठीक है ऐसे रहने दो इसका ऊपर मैं कमेंट लिखूंगा सनातन इसका लिखे। कमेंट लिखे कमेंट हैिंग वह आप शरणागत हो इसका प्रमाण क्या है शास्त्रीय श्रद्धा और श्रद्धा और शरणागति दोनों भूमिका बिल्कुल बराबर है शास्त्रीय श्रद्धा और शरणागति बराबर इसको प्रमाण देना पड़ेगा कृष्ण भक्ति कहिले सर्व कर्म कृता है मैं भगवान का भक्ति कर रहा हूं अरब और, और कोई पिता सेवा माता सेवा देश की सेवा कभी कभी दिमाग में आ जाता है ना मुझे ये करना चा... आ, करना चाहिए फिर क्या कई जन्म तुम देशभक्त थे पितृमात भक्त थे शादी किए थे सब कुछ किए हो जीवन में ये काम नहीं किए जीवन में तुम सब कुछ किए हो लेकिन हमको लगता है ये नया है भक्ति पुराना लगता है समझ रहे हो ना अरे नया लगता है भोग जो भी शारीरिक कार्य देखो सुअर को पता है सुअर वही मल खाता है हर दिन उनको नया नया टेस्ट लगता है तो सोचता है फर्स्ट टाइम आई स्टूल हम लोग को ये ऐसा लगता है ये पहला है पहला ये पहला कुछ नहीं जन्म पहला नहीं है कुछ भी पहला नहीं हमारा पहला भक्ति है इसीलिए बहुत कठिनाई लगता है ये न्यू बिजनेस है ना ओल्ड बिजनेस तो भोगना शादी वगैरह करना काम करना देखो एक्सपर्ट सेवा करने में आलसी होता है क्या आईटी में काम करने से आप आलसी होते हैं उधर एक्सपर्ट ने से आप अगर शो नहीं करेंगे ना आपको कंपनी निकाल देंगे इधर कौन निकालते हैं इधर ठाकुर जी बोलते हो तो रह जाओ कितना भी आलसी हो रह जाओ कुछ करो नहीं करो तो मेरा शरण में रहो इधर कौन निकालते को, ना गुरु जी निकालते हैं ना ठाकुर जी निकालते हम निकल कर चले जाते हैं <laughs> देखो हम निकल कर चले जाते हैं साउंड हरे कृष्णा ठीक है हम निकल कर चले जाते हैं इस शरणागति का जो चिन्ह है शरणागति श्रद्धा ही बराबर है मेरा कर्म कुछ नहीं है श्रद्धा में वो स्तर है शरणागति में वो स्तर है इसको प्रमाण देना पड़ेगा हम भागवत भागवत से मुकलाना है देवर्षि भूत तरुणम श्लोक इस, इस सुने ना आप देवर्षि तरुणम पितृ ऋणम सब ऋणी है हम ना देवता लोग का ऋणी है कभी कभी बोलता नहीं मेरा ड्यूटी है फादर के लिए ड्यूटी तो सोचेंगे सब ड्यूटी है ड्यूटी कभी खत्म नहीं होता है गांधी जी ने बोला था मेरा ड्यूटी है ड्यूटी है ड्यूटी ड्यूटी बोल के चले गए ड्यूटी कभी खत्म नहीं होता है लेकिन ये हमारा ड्यूटी नहीं है सबसे बड़ा ड्यूटी यही सर्वात्म शरणम शरण्यम गतो मुकुंद परिहुत कर तुम जितना ड्यूटी है जितना ऋण से मुक्त होने के लिए ही उपाय सर्वात्म जय शरणम शरण्यम शरण सर्वात्म शब्द सबसे सब बड़ा कंप्लीटली मोचो मैं, मैं अकेला लड़का हूं मैं अगर बाबा जी बन जाऊंगा भजन करूंगा मेरा पिता माता का कौन जिम्मेदार लगे को कहीं कोई सोचता है ना कहीं पति सोचता है ना मैं अगर निकल आऊंगा आश्रम चले आऊंगा मैं ऐसा नहीं बोलता आप ऐसा करो लेकिन अगर कोई कभी कोई ऐसा बोलते हैं ना नेगेटिव ले जाते हैं मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं लेकिन अगर कर रहा है तो भगवान के लिए कोई दोष नहीं यह शास्त्रीय सिद्धांत है किसी भी स्थिति में किसी भी अवस्था में अगर भगवान के लिए कर रहे हो खुद का सुख न, के लिए नहीं कर रहे हो सब कुछ छोड़ सकते हो प्रमाण है शास्त्र में सब कुछ छोड़ सकते हो पिता माता किसी को भी छोड़ सकते हो लेकिन दोनों को नहीं छोड़ना है गुरु और कृष्ण समझ रहे हो ना गुरु और कृष्ण के लिए सब कुछ छोड़ सकते हो जो तो कोई दोष नहीं उनके सुख के लिए उनकी सेवा के लिए भावुकता बस नहीं छोड़ना चाहिए एनअ मैच्योरिटी मैं जा रहा हूं भगवान की सेवा के लिए सर्वात्म ज शरणम शरण्यम दोष कोई नहीं है तो इसमें क्या हुआ शरणागति में सर्वकर्म त्याग ये सूचना है कि नहीं ड्यूटी मत सब जो कोई भी डिवोटी अगर सोचता नहीं मेरा ड्यूटी है इसका मतलब वो गुरु सेवा में नेग्लेक्ट करेगा ही करेगा जितना देखो हमारा सेवा में नेग्लेक्ट हो रहा है हमारा जो मिशन है हमारा मिशन क्या है हमारा मिशन है गुरु को फ्लिच करना हमारा मिशन है ही हम इसलिए आए मेरा भक्ति हो रहा है नहीं हो रहा ये अलग बात है भक्ति होगा इसी सूत्र से भक्ति होता है ये वरूला है हमारा मिशन है वैष्णव लोग गुरु, गुरु जी को प्रसन्न करना ये हमारा मिशन दूसरा कौन क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है दूसरा कोई हमारा मिशन नहीं है सिद्धांत है वैष्णव सिद्धांत है हम इतना एम्पासी नहीं देते हैं दूसरे चीज पर कुछ भी जरूरत नहीं कर्म त्याग शरणागति में कर्म त्याग हो गया ना ये वर्ष देवर्षि प्रताप तरुणम सर्वात्म ठाकुर जी का आप भजन कर रहे हैं ना जितना ऋण है सब मिल जाएगा गया फिर आपको फिर आपको दिखाना है श्रद्धा शास्त्रीय श्रद्धा स्तर भी स्तर पर भी कर्म त्याग है क्योंकि दोनों श्रद्धा से पता चलता है ना तुम शरणागत तो हो तो शरणागत आत्मा का कोई कर्म नहीं है सांसारिक कर्म कुछ नहीं रेस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं ये मेरा रेस्पॉन्सिबल है हर समय रेस्पॉन्सिबल रहता है कहीं उतरता नहीं है हमारा रेस्पॉन्सिबल यही है, है हमारा मिशन यही है, है गुरु जी को प्रसन्न करना ठाकुर जी को प्रसन्न करना इलेवन ट्वेंटी नाइन तावत कर्माणी कुर ता, ये लगेगा श्लोक न निर्विद्यते कथा श्रवणादो वा श्रद्धा जावत न जायता इस श्लोक लगेगा कर्म त्याग का जो अधिकार कर्म हम त्याग कर सकते हैं भगवान की कथा में रुचि आ गया ना अश्रद्धा मत कथा दो कथा आ दो कथा में रुचि कथा में विश्वास नाम में विश्वास सेवा में विश्वास आ गया ना आप छोड़ सकते हो शरण गति का बाद और कोई कर्म करने का जरूरत नहीं कर्म समझ रहे हो ना हम भी इधर कर्म कर रहे हैं ये मिशन है गुरुजी को प्रसन्न के लिए कर्म कर रहे हैं बाहर में जो कर्म कर रहे हैं किसी के लिए दूसरे को प्रसन्न करने के लिए कितना अंतर रहता है देखो कितना अंतर रहता है तो श्रद्धा में कर्म त्याग है शास्त्र श्रद्धा हो गया ना कृष्ण भक्ति कैले कृत सर्व कर्म हो गया और क्या है समझ रहे हो ना और क्या पिताजी का काम हो गया माताजी का काम हो गया किसका भी काम है हो गया ये विश्वास हमारा है जब तक नहीं है तो हम शास्त्रीय सदा स्तर पर नहीं है जब शास्त्रीय सदा स्तर पर नहीं है तो भो तो हम शरणागत नहीं है तो हम बोलते हैं मैं भक्त हो गया हूं और दोष किसका है ठाकुर जी का है, है। उ में एक कहावत है बंगाली में कहावत है जैक फ्रूट को क्या बोलते हैं काटल 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 तो हम, है, काटल हम खा, खाते हैं काटहल हम खाते हैं उसका जो पेस्ट है ना उसको ठाकुर जी आठा होता है ना हम खाते हैं काटल जो आठा है वो ठाकुर जी का मत माथे पर लगा लेते हैं समझ रहे हो ना क्या समझ रहे हो जब जब काटल आप हाँ हा? नहीं नहीं काटा नहीं पेस्ट जो है उसको निकालने से हाथ में लगेगा ना जिसके हाथ में लगता है वो क्या सोचता है मैं काठल खाऊंगा ये जो पेस्ट है ना प्रभु जी का मस्त मस्तक लगा लूंगा हम लोग का आइडिया यही है समझ रहे हो ना दोष किसका है ठाकुर जी का है गुरु का है मुझे तो सिर्फ सुख भोग करना है ये नहीं ऐसा नहीं होता है तो हम शरणागत नहीं है मेरा, क्यों मेरा भजन नहीं हो रहा है क्यों मेरा भक्ति नहीं हो रहा है दोष किसका है गुरु का है हमारा कौन बोलता है कोई भक्त कभी नहीं बोला ये मेरा दोष है ये बहुत परिपक्व होता है ना मैच्योर डिवोटी डिगोटी होता है तब सोचता है कि शास्त्र जब कृपा करते हैं गुरु जब कृपा करते हैं ना वो सोचता है मेरा दोष है नहीं तो दोष बार बार हो ठाको। ठाकुर जी नहीं सुन रहे हैं गुरु जी कृपा नहीं कर रहे हैं ये क्या करे मन के लिए आश्वासना है समझ रहे हो ना नहीं तो मन पागल हो जाता है ना मन को मन क्या बोलता है तुम ठीक हो तुम परफेक्ट हो दोस्त भगवान का ये पागल मन का काम है आपको समझा देता है तो ये दोष देखो परंपरा में लग जाता है हां सोसाइटी में ऐसा हो रहा है आजकल डिबेट लोग ऐसे कर, लो कर रहे हैं ये प्रैक्टिकल नहीं है ये कल युग है इस डायलॉग चलता है मन से नहीं ये हमारा पद्धति नहीं है शरणागत में कर्म त्याग है और श्रद्धा शास्त्र श्रद्धा में कर्म त्याग है कर्म त्याग समझ रहे हैं ना जो भी कर रहे हैं भगवान के लिए मेटीरियल रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरा कोई नहीं है जय हो भगवान के लिए करना क्योंकि देखो ये टफिक अभी आप, आप नहीं सोचना चाहिए मैं गृहस्थ ब्रह्मचारी किसके लिए बोल रहा हूं ये शरणागति का टॉपिक चल रहा है ना अभी गृहस्थ ब्रह्मचारी कुछ नहीं है शरणागत टॉपिक चल रहा है टफिक काम तो शास्त्रीय श्रद्धा ही शरणागति का लक्षण है ये शरणागत आत्मा है कैसे पता चलेगा बिल्कुल ही शास्त्रीय श्रद्धा है भगवत कर्म कर रहे हैं और इसमें वो सेटिस्फाइड है वो कभी नहीं सोचते मेरे टेल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा बहुत है हो गया सब क्योंकि भगवान की सेवा में करता हूं तो अब शरणागत क्या है उसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या है सनातन गोस्वामी क्या बोल रहे हैं शरणागत का मतलब क्या है क्या शरणागत का मतलब होता है शरणगत हाँ? का मतलब क्या होता है हाँ? क्या हम नहीं सोचते हैं नहीं ऐसा नहीं शरणगत का सही डिफिनेशन सनातन गुस्सा में दे रहे हैं हरिव्यक्ति विलास इलेवन थ्री नाइन थ्री जो तो भक्ति भक्तिशक्तियों भगवत कृष्ण शरण कृष्णभी कृष्णभीतिन एवं साधन साध्य रूप भक्ति लिखि अधुना श्रवणादि असाम श्रगतण अभी सैत् अभी सनातन गुस्सा लिख रहे हैं देखो दूसरा जो साधन है श्रवण उसका कीर्तन अर्चन बंदन इसमें जो असामर्थ्य है वो तो कर रहे हैं, लेकिन इतना सामर्थ्य नहीं है उन लोग भलाई कैसे होगा देखो हम इसे हिंदी में बोलते हैं ना पूरा दम से हम नहीं कर रहे ताकत लगाकर बिल्कुल नहीं कर रहे रुचि भी कभी कभी होता है कभी कभी नहीं होता है मन की सबसे रुचि होता है श्रवण ऐसा नहीं कि हम हमारा मन जो चाहता है ना इसे श्रवण करने के लिए हमारा इच्छा होता है जो पसंद नहीं करता है उसको निकाल देता है ये मुझे जरूरत नहीं ये शास्त्र सिद्धांत है लेकिन मन का एक रुचि रहता है लेकिन कोई कोई साधक है पहले से साध्य साधन तत्व बता है सनातन अभी इसको लिंक कर रहे टीका में दिग्दर्शनी में एवं साधन साध्य रूप भक्ति लिखित्वा में साध्य और साधन तो लिख लिया हूं अधुना श्रवणादि असामर्थ्य श्रवण नहीं कर सकते श्रवण आदि श्रवण कीर्तन इसमें असामर्थ्य थोड़ा बहुत करते हैं लेकिन रुचि नहीं है वो लोग कैसे संसार से तरेंगे उन लोग का भगवत प्राप्ति होगा कि नहीं तो इसको यही बोल रहे हैं शरणागत गातृणा भी कृतार्थ इति शरणापति लिखित्यम मैं शरणागति का प्रसंग में अभी लिख रहा हूं क्योंकि जो श्रवण में अनासक्त है स्वरों में असामर्थ्य है कीर्तन में असामर्थ्य इतना कर नहीं सकते हैं। करते हैं रुचिपूर्ण नहीं है ज्यादा फोकस नहीं देते हैं उन लोग के लिए कैसे भलाई होगा इसे शरणागति देखो इसका भाव अलग नहीं पकड़ना है दो भाव है आप अगर सही से श्रवण कीर्तन परफेक्टली कर रहे हो ना फिर शरणागति भी मुख्य अंग है अगर करने में असमर्थ है ना फिर भी शरणागति मुख्य अंग है तो अभी सुन लेने के बाद ये नहीं सुनना चाहिए मैं नहीं कर रहा हूं तो ठीक है शरणागत से मैं तर जाऊंगा नहीं होगा तो फिर है हम चंडिंग करना है भगवान का भजन करना है तो काल जैसे प्रभु जी प्रश्न भक्ति जो तीव्र भक्ति श्रवण करते हैं लेकिन मनन नहीं करते हैं तीव्र नहीं होता है कीर्तन करते हैं इसका आवेश नहीं रहता है मन में अर्चन श्रृंगार वगैरह करते हैं नहीं है वंदन भी करते हैं ठाकुर जी को प्रार्थना भी करते हैं अंतर में भाव नहीं आता है प्रार्थना कर लेते हैं स्तुति कर लेते हैं कीर्तन भी कर लेते हैं भाव तो नहीं आते हैं इस असामर्थ्य का सूचना है लेकिन चाहे आप सामर्थ्यवान हो या नहीं हो लेकिन शरणागत मुख्य है इसीलिए तो आए भक्ति मठा को लिखे है ना सर्विदा सर सर्विदा शरण गति हिजा प्रार्थना सुने श्रीनन्द कुमार, श्रीनन्द पदे, दन्ते त्रिणधरि भक्ति विनोद बले कर जोडि शरणागत शास्त्र होता है ना तो शास्त्रीय सदा कहां से आता है साधु संघ से अंतरंग साधु संघ से इसलिए फिर उगम गए रूप ना बध जब तक तो शरणांगत नहीं होते ना प्रार्थना ठाकुर जी नहीं सुनते चाहे आप साधन भजन में सामर्थ्य है या नहीं तो शरणागत का तात्पर्य क्या है अभी शरणागत हम सुनते हैं शरणागत हो जाना शरणागत क्या शरणागत है एक क्रिटिकल स्टेज है इसीलिए शरणागत है क्या जैसे पुलिस पकड़ लिए चोर को उस समय चोर कैसा है वो बोलता है नहीं सर मैं कुछ नहीं किया हूं तो वो मोमेंट के लिए सर रंगते। हम हमारा ऐसा नहीं है हम तो जब थोड़ा क्या बोले परेशान में पड़ जाते ना तब प्रभु जी अभी गुरु का चरण कमल ठाकुर जी का चरण कमल उपासना अच्छे से चलता है कि अभी परेशान नहीं है वो चला जाता है जैसे सिक्योरिटी चेक में देखे ना अब जो अब आप जब जाते हैं ना मैं देखता हूं जो खड़ा होते हैं सिक्योरिटी फ्लाइट में जो सिक्योरिटी चेक होता है ना पहले जो खड़ा होता है ना तो कितना डरते हैं पहले डरते हैं वो चेकिंग खत्म हो गया ना तब गया चेकिंग <laughs> खत्म हो जाता है ना सिक्योरिटी चेकिंग खत्म उसके बाद वो शरणांगत है गया जब सिक्योरिटी चेकिंग करता है तब तो शरणांगत पीछे घुमाओ चप्पल निकालो जो भी खोलता क्यों उनको जाना है फ्लाइट में वो फ्लाइट में जाने के लिए देखो कितना कभी कभी बोलता है ना चप्पल निकालो इसमें क्या है नहीं बाबा इसमें रोमान निकालो बाहर को <laughs> मैं देखा हूं कितना बड़ बड़े बड़े लोग डांटते हैं उनके लेकिन उनको फ्लाइट में जाना है ना वो शरणागत हो जाते हैं कुछ भी नहीं है उसमें जाओ जाओ जो मशीन है फिर उस, उस मशीन में डालो करना पड़ता है जान बुझ करना पड़ता है क्योंकि उनको, उनको फ्लाइट में जाना है अभी शरणागत है वो लेकिन वो क्रश कर जाता है सिक्योरिटी का स्टाम्प लग जाता है टिकट में गया शरणांगत अभी कुछ नहीं बोलने वाला है अरे हम हाँ भक्ति में ऐसी शरणागति ये भी शरणागति नहीं है हम हाँ थोड़ा जब परिचय झुक है जाते हैं बहुत प्रार्थना चलता है सेवा चलता है परिक्रमा चलता है हो गया काम खत्म हमारा भी शरणागति खत्म ये भी शरणागति नहीं सरनागति हर है हर अवस्था में इसीलिए ये भरसा हम चुने हैं सर्वथा शरणापति ही सिक्सटी जो लिम्स है क्या बोले अंग है और चैतन्य महापुरुष सनातन को स्वयं बोल रहे हैं डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन सर्वथा शरणा प्रति कार्तिकादि व्रत चतुष्ट चतुष्टी अंग ही परम महत्व सर्वथा सब अवस्था में हिंदी में क्या लिखें भक्तों को चाहिए कि सभी प्रकार से कृष्ण शरण में जाए सभी प्रकार से शरणागत सर्वथा सर्वावस्था में चाहे आप सामर्थ्य मान पुरुष हो या नहीं हो तो शरणागति का तात्पर्य क्या है अभी सनातन रंग बोल रहे क्या शरणागति का तात्पर्य आप क्या सोचते हैं शरणागति का मतलब क्या है जो शरणागति में सोचना क्या शरणागति का मतलब कर सकते है क्या हम <laughs> गुरु कृष्ण संतोष होने के लिए जो चाहिए वो शरणागत है नहीं उनका डेफिनेशन क्या देखो ऐसे तो गुरु कृष्ण क्या चाहते हैं उनका भाव क्या है समझ रहे हो ना नौकर को सब कुछ नहीं बोलते हैं कुकिंग वाले ये सारी मालिक जो ना जो नौकर कुक वगैरह करते हैं ना वो सब कुछ नहीं रोसई वगैरह करते हैं सब कुछ नहीं बोलते पत्नी को बोलते पत्नी को बोलते तुम ऐसा करो आज ऐसा सब्जी बोलो नो करके बोलता, करो कुछ कर दो चार आइटम करके तुम जाओ कि न भाई, कितना बोलने से क्या करेगा उनका श्रद्धा नहीं है समझ रहे हो ना? तो गुरु कृष्ण का मनोभाव ऐसा प्रकट नहीं होता है आप पहले गुरु कृष्ण हो क्या तब तो, तो गुरु कृष्ण आपको रिवील करेंगे तो शरणागति का तात्पर्य सनातन को लिख रहे हैं <coughs> द्यपि सख्य आत्मनिवेदन तो भक्ति प्रकार अंतर एवं शरणागत पर्यवश्य सख्य और आत्मनिवेदन क्या क्या भक्ति का जो नवदा भक्ति है ना श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन अर्चन दास्य सख्य आत्मनिवेदन तो जो असमर्थ है श्रवणादि में असमर्थ है और शरणागति का भाव कहाँ है चिपक गया है दो दो रस में सख्य और आत्मनिवेदन इसमें भी शरणागत है इसमें कृतार्थ हो जाते हैं साधक लेकिन ये सबके लिए नहीं है यद्यपि सख्य आत्मनिवेदन तो या भक्ति प्रकार अंतर एव शरणागत तुम पर्यवश्य इसमें है शरणागत है सखा क्या है सब कुछ दे देता है ना हर हर पल पर समझ रहे हो ना सर, सक, जो सख्य रस में और आत्मनिवेदन में एक मिनट के लिए स्वतंत्रता नहीं स्वाधीनता नहीं बिल्कुल कर देते हैं। आत्मनिवेदन इसको बोलते हैं आत्मनिवेदन बहुत डिफिकल्ट है ये मेरा मत नहीं है, आचार्य लोग बोलते हैं आत्मनिवेदन का भाव क्या है मानस देह जो कि मरो अर्फील तो याद नंद आत्मनिवेदन मारो विराख भी, भी जो इच्छा तो मार नित्य दास प्रति तब तो हम ऐसे हैं तो हम तो सोच रहे मेरा भक्ति क्यों नहीं हो रहा है मारो भी राख भी जाओ इच्छा तुम तो हम आत्मनिवेदन करना इतना बिल्कुल किन्नों के लिए आचार्य लोग बोले साधारण जीव के लिए संभव नहीं लेकिन शरणागत हो सकते आत्मनिवेदन में शरणागत है लेकिन आत्मनिवेदन स्तर पर जाना बिल्कुल मुश्किल है समझ रहे हो ना बिल्कुल मुश्किल है हम लोग के लिए तो असंभव जैसा लगता है मारो भी राखो भी जो इच्छा तो मार चिंता क्यों करते हैं अरे इस श्लोक आत्मनिवेदन में कौन सा श्लोक लगेगा भक्ति रसम भक्ति रिंधु में जो श्लोक है ना यथा जैसा कोई मालिक कोई मालिक विक्रीडीता पशु विकृढ़ता पोष एक श्लोक देख लीजिए भक्त सिंध में किसका पास बैल है समझ रहे हो ना वो बैल को लेता है कहां मार्केट में और जब बेच देता है बैल कभी नहीं सोचता है मैं अभी कहाँ जाऊंगा और ये मालिक तो अच्छा था चारा वगैरह अच्छा खाने भी को देता था अभी कहाँ रहूंगा ये जो मालिक है मुझे अच्छा से खिलाएगी कि नहीं वो कभी नहीं सोचता है वो चला जाता है इस शरीर ऐसा है इस शरीर को ऐसा ठाकुर जी को देना संभव है देखो हम भक्ति करते हैं लेकिन हर पल पर हमारा सुख दुख का चिंता है जब हमारा सुख दुख का चिंता है तो हम गुरु कृष्ण का सुख दुख का थोड़ी चिंता कर रहे हैं नहीं हो रहा है आत्मनिवेदन करना है, बहुत मुश्किल है हम तो पढ़ लेते हैं दिखा क्या शिष्य दिखा करे शिष्य करे भाई आत्मसमर्पण कितना मुश्किल देखो तो अब तक तो हमारा दिखा हुआ है क्या कंप्लीट नहीं हुआ वी आर ऑन प्रोसेस नाम परिवर्तन हो गया नाम में काम चलता है समझ रहे हो ना जैसे प्रधानमंत्री का नाम पर काम चलता है प्राइम मिनिस्टर बोले कलेक्टर बोल हैं जैसे हमारा अभी नाम काम चला रहे गुरु, गुरु आत्मनिवेदन करना है वही सब देखो क्या दीक्षा काले शिष्य करे आत्मनिवेदन आत्मनिवेदन का मतलब एक क्षण के लिए स्वतंत्रता नहीं तुमको बोला जाएगा ना इधर बैठो बैठना है तुम बोले क्यों क्यों नहीं है ये नहीं है अगर गुरु बोलते हैं कि तुम गलत किए हो तो क्या बोलेंगे आप गलत नहीं किए हो आप क्या करेंगे आप गलत नहीं किए हो लेकिन गुरु जी बोल रहे तुम्हारा गलती है मान लेंगे मान लेंगे मान लेंगे तो मन में नहीं मानेंगे वचन <laughs> में मान लेंगे हाँ गुरुजी बोल रहे हैं नहीं मान ले तो बुरा मानेंगे भीतर से नहीं माने हमें मान लिया हूं ऐसा लेकिन गुरु जी ठीक नहीं बोले भीतर ऐसे बोलेंगे अभी तो वही चल रहा है अभी पढ़ाई थोड़ा हो रहा है श्रवण थोड़ा हो रहा है अभी तो वही बात हो रहा है भीतर में कैलकुलेशन बिल्कुल चल रहा है हंड्रेड परसेंट कैलकुलेसन चल रहा है तराजू तराजू बोलते हैं ना क्या बोलते हैं इसको तराज तराजू जैसे लोग मापते हैं ना ऐसे चलता है इसीलिए तो भला ही नहीं हो रहा है आत्मसमर्पण करना इतना छोटा बात नहीं बाहर से कुछ बोल देते हैं मान लेते हैं अंतर बिल्कुल स्वीकार नहीं करता है इस संसार में सबसे बड़ा कपट भक्त लोग के लिए यही है बाहर से उपासना करते हैं अंतर से श्रद्धा नहीं एकजी के आदमी हम किसको ब्लेम करेंगे मन तो पागल है मन तो मेटेरियल जब अटैचिड हो जाता है ना वो कैलकुलेट करना लगता है उपासना बाहर से चलता है भीतर से श्रद्धा नहीं कितना बड़ा कपट है देखो कर्मी लोग ऐसे नहीं करते हैं, कर्मी लोग मानते तो बोलते बाबा जी हर, हरे कृष्णा नहीं मानते तो खड़ा खड़ा चले जाते हैं कुछ नहीं बोलते हैं देखो कभी लोग प्रणाम करते हैं ना वो खड़ा होकर देखते हैं क्यों इनका चरण कम लोग गिरते हैं तो वो अच्छा आदमी है ठीक है भाई उनका श्रद्धा नहीं है वो तो साधु क्या पता नहीं है आप लोग सब प्रणाम कीजिए वो खड़ा होकर देखते हैं भी चले जाते हैं वो कपटी नहीं है लेकिन हम लोग तो भक्ति पथ पर आ गए हम हमारा खतरनाक स्थिति हो गया हम कपटी हो गए और वो कपट कहां से लगता है देखो संसार में कपट लगता है तो अच्छा है भाई थोड़ा ये तो संसार है सरल बनना अच्छा है अगर तुम जीना मुश्किल हो रहा है तो थोड़ा कपटी कर ले तो परिवार जीवन में लेकिन इधर गुरु का पास मत करो इसको मैं प्रमाण दूंगा जीव गोस्वामी क्या बोले हैं सबसे बड़ा बाधक कुटल कुटिलता है शरणागति में शरणागत भक्त के लिए जीवन में सबसे बड़ा बाधक डुप्लिशियसनेस भीतर का बात अलग है तो मानते नहीं है बाहर से हम मान लेते हैं इसमें भलाई हमारा अमर, भलाई नहीं होता है शरणागति नहीं होता है पकता नहीं है शरणागति बोल रहे हैं सक, जद्यपि सख्य आत्मनिवेदन है तो या भक्ति प्रकार अंतर शरणागत पर मनोवृति विशेष अति आत्मनिवेदन और शरणागति में क्या अंतर है सख्य और आत्मनिवेदन में शरणागति है लेकिन स्पेशल शरणागति में क्या अंतर है आत्मनिवेदन और शरणागति में क्या अंतर है क्योंकि आप अगर भक्ति ठाकुर जी का पद देखिए ना वो लगता है सब शरणागति में है क्योंकि ग्रंथ का नाम लिखे ना शरणागति शरणागति में है कि नहीं मानस देह गया जो कि सर्वस्व तुम्हारा तो चरण ये सब शरणागति में लेकिन शरणागति का जो सिम्टम्स है शरणागति का जो सिक्स सिस्टम्स है अनुकूल से से प्रतिकूल इसी में एक सेक्शन आत्मनिवेदन सेक्शन अलग है आत्मनिवेदन में शरणागति है लेकिन ये जीव के लिए साधारण जीव के लिए नहीं ये, ये मनोवृत्ति अलग है मनोवृत्ति अप्य शरणागति और आत्मनिवेदन में अंतर क्यों आत्मनिवेदन जो है हायर हायर स्टैंडर्ड के लिए लेकिन हम लोग तो कमन लोग का भलाई कैसे होगा क्योंकि हमारा श्रवण कीर्तन इसमें ज्यादा रुचि नहीं है तीव्र भक्ति नहीं है लेकिन शरणागति में हमारा भलाई हो जाएगा क्या शरणागति है वो लिख रहे हैं शरणांगत केवलम शरणागति में केवल एक भाव है क्या भाव है पता है देखो ये एक भाव है लेकिन सबसे ही भाव है क्या भाव है भगवदियो अहम इति एत अत्र भगवती अहम इति प्रभु जी मैं आपका हूं मैं आपका हूं ये पहला है हम बोले हैं कभी ऐसे भगवान को प्रभु जी मैं आपका हूं ये सिर्फ अंतर से भगवदियों अहम इति शरणागत्य केवलम शरणागति में केवल एक चीज है और इसी भाव को लेकर क्या करना है श्रवण करना है कीर्तन करना है तीव्र अगर भक्ति नहीं हो रहा है ना जितना हम गुरु जी का आदेश पालन करते हैं, लेकिन ये भाव को पकड़कर गुरु जी मैं आपका हूं हम लोग का जी सब मान लीजिए मैं आपका हो गया तो जितना कर रहा हूं तो आप खुश हो जाएंगे मैं आपका हो गया ना बिल्कुल तो ऐसे भाव हम लोग का होना चाहिए भगवत मैं आपका हूं मेरा कोई कोई नहीं है संसार प्रभु तो जी मैं आपका हूं जैसे छोटा बच्चा है वो बोल देता ना मान जी मान जी ओरिया में आजकल तो मुझे पता नहीं पहले जमाने में हमने देखा हमारे दोस्त वगैरह थे वो पढ़ाई नहीं करते थे उनको माता जी पिताजी बहुत पिटाई करते थे तो माताजी आकर बोलते थे ये मेरा लड़का है क्योंकि लड़का को पता है पिताजी पिटाई कर रहे हैं ना अभी माता जी के पास जाना है और माता जी पिताजी थोड़ा पिटाई किए लेकिन वो इतना रोता रोता है माता जी का जो अंतर है वो बिगड़ जाता है वो बोलते हैं, मेरा लड़का है नहीं पढ़ाई करेगा तो क्या होगा मेरा लड़का है वो कैसे जिएगा ठाकुर जी उनको जी लाएंगे उनको इतना क्यों पिटाई कर रहे हो देखो पिताजी भलाई के लिए पिटाई कर रहे हैं लेकिन मां जी उनको स्वीकार कर लिए वो बोलते हैं जिंदगी भर नहीं पढ़ाई करेगा तो ये मेरा जिम्मेदारी है तुम चिंता मत करो तो पशु जैसा पिटाई करते हो <laughs> देखो भगवती हो हम क्योंकि लड़का इतना चालाक है ना वो मां जी को बोल देते मैं देखो बाबा जी साहब मैं आप मेरा हो ना भगवान भगवान के चरण कमल में ऐसे हमारा भाव रहना चाहिए शरणागति सरना, को लेकर श्रवण करो शरणागति को लेकर कीर्तन करो शरणागति को लेकर सब कुछ करो क्योंकि हम तो तीव्र साधक नहीं है जिस पर कि तुम्हारा श्रवण कर रहे थे सिर्फ श्रवण कर रहे थे श्रवण में कृतार्थ हो गए शुद्ध मैंने बोलते बोलते ही कृतार्थ हो गए एक एक अंग में उनको सब फल मिल गया हम लोग तो ऐसे नहीं तीव्र भक्ति नहीं कर रहे हमारा सामर्थ्य भी नहीं लेकिन इस शरणागति को पकड़ना है चाहे कोई समर्थ साधक हो या हीन साधक हो हीन समझ रहे हैं ना दिन साधक हो दोनों के लिए यही जरूरत है भाव क्या है भक्ति ठाकुर का एक पद में एक भाव है भगवती वहम मैं आपका हूं ठाकुर जी मैं किसका नहीं हूं हम भी बीच भीज़ बीच में बोल ना हम आपका है इधर बोलते हैं हम आपका है घर में जाते हैं बोलते हैं ठाकुर जी पूछेंगे तुम किसका हो <laughs> इधर बोलते हम आपका है कंपनी में जाते हैं तो बोलते हैं को बोलते हैं मैं आपका हूं घर में जाते हैं सबको बोलते हूं आपका हूं तब तो अभी किसका नहीं है अभी देखो किसका <laughs> कोई हमको प्रेम नहीं कर रहे हैं हम किसी का नहीं है अभी लेकिन हम भगवान के भगवती हुआ हम भक्ति में ठाकुर पद लिखे पूर्व इतिहास भूलिनो सकल सेवा सुख पे मै तुमी तो मारी तो तोमार की काज पर धान ठाकुर जी मेरा कुछ जरूरत नहीं तो मैं आपका हूं आप मेरा अरे जितना दुख था ना मैं भूल गया अभी मेरे दिमाग में कुछ नहीं जीवन में कितना इतिहास समझ रहे हो ना महाभारत एक इतिहास है आप आपका लाइफ हिस्ट्री लिख दीजिए कितना महाभारत होगा बनो खुद का जीवन का वैसदेव बनो तो तब तो भक्त बन सकते हो देखो जीवन कितना मुश्किल से हम निभाए अभी निभा रहे हैं भविष्य में इतना चैलेंजेस आएगा लेकिन ठाकुर जी मेरा अभी कुछ नहीं है दिमाग में पर इतिहास भूली नु सकाल सेवा सुख पे मने मुझे सेवा सुख मिल रहा है आपकी भक्ति कृपा से मुझे थोड़ा सेवा मिला है इसमें सुख मुझे बहुत मिल रहा है और भाव क्या है तो, तुमार, तो आमार। मैं आपका हूं आप मेरा है मेरा दूसरा कुछ जरूरत नहीं इस शरणागत का भाव इधर नीत है जो शरणागत हो जाते हैं कृष्णा कृष्ण दिखाई नहीं देता अच्छे से कृष्ण भ्रणांगत भाव ए ना मैं प्रभु जी मैं आपका हूं ये भाव से ठाकुर जी का शरणागत होता है ना तो डर नहीं रहता है वीत तो नहीं रहता है भय नहीं रहता है इसको प्रमाण देना पड़ेगा जो शरणागत हो जाता है वो नहीं डरते भागवत से लाना कितना पड़ से मन कुत एकादश कुंद में भय भागवत धर्म में उसको अरे शरणांगत जो नाम प्रभु जी का शरणांगत हो जाता ना उनका भी भय नहीं है प्रमाण देना है फर्स्ट कैंटो जद विभेति जद नाम श्रुति मात्र वो नहीं जद विभति स्वयं भयम आवर्ण संस्कृति गोरम विभूषक गुणन कोई विभोश होकर ठाकुर जी का नाम लेता है ना क्या होता है वही वर्ष जद विभीति स्वयं भगवान का नाम कोई भय जमराज भय भय का देवता है महाकाल सब डरते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे 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 राम हरे राम इसलिए हम जब भजन करते हैं ना का शरण जय मुक्त महाजन भक्ति ठाकुर हरे नाम चिंता मन लिख रहे हैं देखो हमारा शरणागत का भाव सिर्फ ठाकुर जी से नहीं हमारा शरणागत सबसे है समझ रहे हैं ना तुलसी क्या तुलसी में में क्या बोलते हैं जेतोमार शरण लय तार शरणागत भाव सब अंग में है शरण तो लय अरे तुलसी पूजा कर रहे हैं हम लेकिन भाव देखो शरणागति भाव से हम सब सवव... सव... और एक कन... सा वर्ष में बोल रहा था नामेक शरण जी मुक्त महाजन जो मुक्त महाजन होते हैं नामेक शरण जी सिप... आचार्य लोग प्रभुपाद, गुरुवर्ग नामे का शरण उन लोगों का चरण में शरण लेना चाहिए हम नाम करते हैं लेकिन नामे का शरण नहीं है नाम एक ही शरण हम समझ रहे हो ना नाम अकेला हमारा शरण नाम तो करते हैं लेकिन शरणागत तो भाव नहीं है नाम प्रभु जी के चरण आप में मेरा ही भरोसा है जैसे भगवती हो हम भगवान मैं आपका हूं नाम प्रभु जी को जब हरिणाम करते हैं तो क्या करना चाहिए में आपका शरण ही मेरा भरोसा है नाम कितना मालाम कर रहे हो राउंड बोलता ना इतना राउंड हो गया भाई राउंड करो कि ग्राउंड में राउंड करो कुछ भी करो इसमें क्या है ये राउंड शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता राउंड क्या है कितना तुम माला भी करो भाव तो ही रहना चाहिए शरणागत तो भाव नहीं है ना तो मन इधर उधर जाता है मन इधर उधर जाता है तो माइंड कंट्रोल के लिए दूसरा कोई भाव नु? कोई ये, ये क्या बोलते हैं थोड़े टाइम के लिए पैसिफाई करता है कंक्लूजन लगा लीजिए ना इंद्रिया मनस चश्मी इंद्रियों में मैं मौन हूं कौन बोल रहा है भगवान बोल रहे मन में ए, इंद्रियों में मैं मन हूं तो वो अगर कृपा नहीं करेंगे तो मन संजम कैसे होगा तो इसीलिए हम शरणागत होना चाहिए गुरुजी चरण में वैष्णव वैष्णवलोकी देखो वैष्णव वैष्णववंदन में शरणागत है कि नहीं शरण लइलू वैष्णववंदना देवकनंदन दस अंतिम में देखिए सरावंसा सिद्ध है जमदंड छूटे जगत दुर्लभ भैया प्रेम लुटे पहले वासी जत वैष्णवर गण प्रथम वंदना करी सवार चरण वासी जत महाप्रभु गण भूमिते पड़िया बंधु सवार चरण महाप्रभु भक्त जत गोढ़ स्थिति सवार चरण बंधु करिया प्रणति जेदे से जेदे से वसे वैष्ण वैष्णव उर्धव हया बंदे सवार चरण देखो बंदना हमारा शरणागत के भाव कहा कितना सुंदर भाव है हयाछ हईवेन जतम दास जो जन्म हो गए महाप्रभु प्रभु भक्त और भविष्य में आने वाले जो भक्त है हम वैष्णव है एक एक पद पर हम झुक जाएंगे क्योंकि शरणागत भाव नहीं है ना अंतरविघलता नहीं है इसलिए भल अरे मानना भी मुश्किल हो जाता है हमारा इतना कमी है भक्ति युग में इस सिद्धांत को मानना भी मन नहीं मानता है कितने सुंदर भाव देखो शरणागत कैसे हैं है वेन वे जत महाप्रभु दास जो हो हो गए जो आचार्य लोग अभी आ गए हैं अभी जो भक्त लोग लीला कर रहे हैं उनका शरण मैं जाता हूं और आगे वाले समझ रहे हो ना जो वैष्णव अभी तक जन्म नहीं हुए उन लोग का भी हम शरण जाते हैं शरणागत का भाव है सब जगह में विष्णु मंदना में देखो प्रार्थना में देखो कहां भी देखो शरणागत का भाव जब जिसको उपासना करते हैं पूजा करते हैं मैं आपका हूं जैसे तुलसी मारण मैं आपका शरण में हूं आपके आपकी सेवा में कुछ नहीं कर सकता हूं जब नाम करते हैं नाम प्रभु जी को ऐसा सोचना चाहिए जब सेवा करते हैं सेवा ऐसा ठाकुर जी कोई नहीं है मेरा ये भाव को पकड़कर हमारा जो कुछ करना है तो भय नहीं रहना चाहिए जो शरणांगत हो जाते हैं वो कभी भय नहीं करते कभी नहीं भय कर भक्ति ठाकुर पद है भया पद सिरिया परम आनंदे नाचे पद गुण गाय सब है का संसार विपद हित अवश्य उद्धार अवश्य उद्धार संसार में जितना मेरा लाइफ में जितना चैलेंज आएगा ना ठाकुर जी आप अवश्य मुझे उद्धार करेंगे इस समय भाव है भक्ति विनोद पद बोले भक्ति विनोद पद करीबे उद्धार आपका चरण कमल इतना शक्तिशाली है अवश्य आप उद्धार करेंगे चरण कमल आपका चरण कमल जो आप कितना बढ़ सकते इसलिए गुरु श्री गुरु चरण कल जैसे ब्रह्मचारी क्लास में बोल रहा था ना क्या चरण भाई गुरु इतना हैवी है भगवान इतना महान है हम चरण बोलते हैं चरणाश्रय है। देखो शास्त्र में हर समय चरण चरण कमल तुम्हारा चरण करी नु वरण हमारा नहेता हमी वरण कर लिया तो पति पत्नी दोनों तक वर्ण करते है वर्णमाला मैं बोलता हूँ ना वर्णमाला देते हैं जो शादी करते हैं आप ब्रह्मचार्य आपको पता नहीं शादी करने वाले को पता है वो तो पता नहीं होना चाहिए भी कोई जरूरत नहीं है <laughs> क्या जरूरत है अब आवाजी लो क्या अच्छा से जो वर्ण करते हैं आपका देश में है कि मुझे पता नहीं हमारा एक माला रहता है वो पूजा करते हैं बाद में साखी देते हैं सबको मैं बचपन से इसको देखा ना अभी तक याद है समझ रहे हो ना थोड़ा हमको कोई मैरिज फेस्टिवल में जाते हैं ना क्या हम उतालो नहीं भ्रमजे नहीं जाना चाहिए हम क्या जाएंगे याद है मेरा तब वो मंत्र उच्चारण करेंगे और पति पत्नी दोनों दोनों माला रहता है और गले में एक माला डालेंगे वो क्या बोलेंगे जन्म जन्म के लिए आप मेरा पति हो वो बोलेगा जन्म जन्म के लिए मेरा पति इसको वर्ण बोलते भाई ये गले में माला डालते हैं हम चरण में डालते हैं हम इतना मानन करते हैं तुम्हारा अच्छा चरण करेलू वरण अमार नह तो आमी आ, आज से मैं मेरा नहीं हूं आपका हो गया इस शरणागति का भाव है ये भाव हमारा अंतर में है तो अंतर में तो नहीं है तो श्रवण कीर्तन कुछ भी चलता है ना थोड़ा डिफरेंस रहता है।, है ना ज्ञाप रहता है ठाकुर जी से हमसे थोड़ा अंतर है श्रवण कीर्तन तो हो जाता है सेवा भी हो जाता है लेकिन थोड़ा ग्याप रहता है अब तक तो हम किसका है देखो हम तो भूत जैसा बन जाते हैं बीच बीच भक्त बाबा जी लोग विशेष करके हम लोग हम किसका हुआ अभी पिता माता तो गए समाज तो गए बाल कटवाया और क्या है? किसका आया देखो मुंडन हो गया ना बाल भी हमारा नहीं है और क्या है जिसको फेंक देते हैं लोग वो भी हमारा नहीं है अभी. लेकिन सब तो छोड़ दिए लेकिन किसका अभी नहीं है तो कितना परेशानी में हम लोग हैं लेकिन अमार आमी टाइम हो गया ठीक है टाइम है इस तरह रखना चाहिए आमार था आमी अब से में मेरा नहीं हूं मैं गुरु जी हो गया ये भाव पहला शुरू होता है कहां से दीख्या का मतलब यही है ये दीख्या एक प्रोसेस है चलता है जब तक आत्मनिवेदन गुरुचरण में नहीं हुआ है ना तब तक तो दिखा कंप्लीट नहीं हुआ ऑफिशियल इनिशिएशन हो गया नाम परिवर्तन हो गया है लेकिन इसको कंप्लीट करने गुरु जी को पता है वो प्रोसेस में डाल दिए, चलो कंप्लीट करो कंप्लीट करो अमार नाप तो आपका नहीं हूं तो इसमें डर नहीं रहता निर्भी निर्भय होता है जैसे सख् भाव में आत्मनिवेदन भाव में शरणागत है लेकिन हम हम जैसे साधक के लिए असंभव है तो एक प्रश्न एक आचार्य एक प्रश्न वही खुद ही कर रहे हैं तो मान लो जो लोग श्रवण कीर्तन में असामर्थ है तीव्र भक्ति नहीं कर सकते वो शरणागत कैसे हो सकते हैं? जो श्रवण कीर्तन में असमर्थ है तो शरणागत कैसे हो सकते हैं? देखो श्रवण कीर्तन में इसको धारण करने के लिए समझ रहे हो ना एक उत्सुकता भावना कई क्या बोले शक्ति एक रुचि कोई स्टेज की जरूरत है जैसे तत्व कोई तत्व नहीं समझ सकते हैं हमार, हमारा हमारा जितना फिलोसॉफी तत्व, तत्व का जन्म कर्म में दिव्य एवं जो व्यक्ति तत्व था किस किस को तो, तत्व बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उनको स्टोरी अच्छा लगता है समझ रहे हो ना स्टोरी श्री वो ऐसा किया वैसा किया ऐसा किया ऐसा अच्छा लगता हाँ ठीक है वो तो एंजॉय करता है अच्छा है ऐसा किया ऐसा भाई लीला तो तुम सुन लिए हो अभी तुम कौन सा लीला करेगा <laughs> तुम्हारा लीला क्या है अभी देखो जब लीला सुन रहे तो हमारा दिमाग में रहा ये बहुत अच्छा है तो वो लीला खत्म हो गया अभी वक्ता का श्रोता का लीला अभी चलेगा उनको तत्व अच्छा नहीं लगता है लेकिन ये भागवत जितना सिद्धांत है ना भक्ति का सिद्धांत का मतलब ही तत्व है, है ना तो क्या कर जैसे ब्रह्मा परमात्मा ब्रह्मा क्या है परमात्मा क्या है भगवान क्या है पांचवा स्कंद में डाल दूंगा सेकंड कैंटो आपको दे दूंगा पढ़ाओ इसको डाइजेस्ट करो फिफ्थ कैंटो हो गया तो सोचेंगे भगवान कुछ नहीं भागवत कुछ नहीं कल्पना है <laughs> है ना इस तो बहुत कठिनाई है तो वो साधक के लिए जो, जो श्रवण कीर्तन अर्चन बंदन देखो ठाकुर जी आपको अभी पांच बजे आपको ड्रेसिंग करना है श्रृंगार करना है ना श्रृंगार जो ड्रेसिंग करते हमें साढ़े चा, पांच बजे शुरू होता है अर्चन खत्म हो गया अभी भूख लग रहा है तो ड्रेसिंग जब हो रहा है ना ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे हैं किसे खत्म होगा मुझे भूख लग रहा है कहा जाना है मुझे जाना है जल्दी से जल्दी खत्म करना है अंग भी जाजन करते हैं लेकिन रहना इसमें बिल्कुल फोकस रहना सब 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 साधो के लिए संभव नहीं होता है इसलिए महापुरुष सिखाएं और हाथ देखो हाथ, हाथ से उठाए ना शरणागति हमको सिखाए शरणागत होकर सिखाए इसलिए कहा जाते हाथ उठाते हैं है। महापुरुष से पहले था क्या ऐसा द्रौपदी गजेंद्र ऊपर वाले है ना गजेंद्र देखो गजेंद्र जब वो जो फूल उठाए ना ऊपर शरणागत है पब्लिक में जो साधारण जन समाज में इसका उसको जो भाव प्रकट हुए ना महापुरुष मैं सर... इसीलिए हम हाथ ऊपर उठाते हैं मैं शरणागत हो गया उठा कुछ आपका आज से मैं आपका हूं शरणागत का भाव है तो जो साधक श्रवण कीर्तन नहीं कर रहे हैं इतने सामर्थ्यवान नहीं वो शरणागत कैसे हो सकता है शरणागत सरल है ना श्रवण कीर्तन तीव्र भक्ति से भी यह सरल है क्या सरल है उसको करना है लेकिन इसमें अगर उन श्रवण कीर्तन में उनको ज्यादा आसक्ति नहीं है तो सिर्फ शरणागत में कृतार्थ हो सकता है तो आप क्वेश्चन करेंगे क्यों कैसे ठाकुर जी उनको कंसेशन देंगे भगवान का एक गुण है ना कल सुने तो हम क्या क्या चार गुण है भक्तवत्सल है बदान्य है समर्थ है कृतज्ञ है ठाकुर जी एक गुण से हमको उद्धार करते हैं क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं बार बार मैं आपका मैं आपका ठाकुर जी कृतज्ञ हो जाते हैं ये एक आदमी बार बार बोल रहा है कि मैं आपका हूं मैं आपका हूं मैं आपका हूं तो ठाकुर जी क्या करते हैं ये नहीं देखते हैं कि ब्राह्मण ये चंडाल ये नारी है ये पुरुष है ब्रह्मचारी है गृहस्थ है मैं आपको मान लो आज से मैं आपको बोलूंगा मैं आपका हूं कितना दिन आप टाल सकते हैं कितना दिन तक आप टाल सकते हैं समझ रहे हो ना जैसे एक ब्रह्मचारी मान लो जो स्पेशली जो ब्रह्मचारी है, वो आश्रम में रहते हैं कितना दिन हो गया प्रभु जी का कितना साल हो गया पंद्रह साल फिफ्टीन पंद्रह साल में कितना बार प्रणाम किए कैलकुलेट करो एक दिन में कितना बार होता है कम से कम तो तीन मंगलवार अटेंड करते हैं शाम को गुरु पूजा आते हैं फिर मंदिर एक बार घूमते आते हैं ना भागवत क्लास को आते हैं दर्शन लेते कभी कभी पूजा लोग तो बहुत हो जाता है तो तीन बार जो प्रणाम कर रहे हैं ठाकुर जी को एक दिन में तीन बार हो गया सालों में कितना बार हो गया एक हजार बार तो पंद्रह साल में कितना हो गया तो ठीक है आप खड़ा हो जाइए भगवान के स्थान पर आप खड़ा हो जाइए मैं आपको पंद्रह हजार बार प्रणाम करूंगा मैं देखूंगा आप आदमी होकर बन रहेंगे आप रोएंगे एक फिर हम ऐसे नहीं प्रणाम कर रहे हैं जैसे बाहर रुकाते ना ठाकुर जी हम नहीं करते हैं। हम ऐसे नहीं करते, हम, नहीं करते हम गिर जाते हैं चरण कमल में गिरना और भगवान कौन है कृतज्ञ है वही गुण को देखना चाहिए हमारा विश्वास नहीं है ना इसलिए हमारा भलाई नहीं जिनका चरण कमल हम गिर रहे ना वो कृतज्ञ है कभी को कोई प्रणाम कर लेता है कोई बोल देता है मैं आपका हूं ना वो बिल्कुल पागल हो जाता है आदमी बोल है मैं आपका हूं मैं उनको क्या दूंगा देख देखो दो जि, जितना साल जैसे प्रभु जी फिफ्टी ईयर्स से ज्यादा इस कन में है मानो तो इतना बार प्रणाम किए हैं ना जाएंगे कहां भगवान कहां जाएंगे हम सोचते मेरा भक्ति नहीं अरे भक्ति हो ना हो उनका काम वो करेंगे हमारा काम हम कर लेंगे वो कृतज्ञ है जिनको जिनको पचास हजार बार हमने प्रणाम किए वो जाएंगा कहा कुछ भी देगा ना करोड़पति देता है तो एक रुपया नहीं देता है कभी करोड़पति <laughs> करोड़पति एक रुपया कभी नहीं देता है समझ रहे हो ना मना कर देता है सिक्योरिटी रख लेता है मना कर देता है तो चलो देता है तो एक हजार से शुरू करता है समझ रहे हो ना अभी हमको कुछ नहीं मिल रहा है लेकिन हम तो है अभी तक करोड़पति वाला पास जब देंगे तो शुरू कर देंगे अभी एक हजार से पहले चेक शुरू होगा एक रुपया दो रुपया नहीं देंगे देवता देवता लोग देवी लोग एक रुपया दे देंगे भगवान ऐसे नहीं कभी नहीं देंगे मेरा तो भी विश्वास है जहां इतना लोग आते हैं जो भगवान को प्रणाम करते हैं जो इतना वर्ष चरणामृत लिए हैं भगवान गुरु पूजा किए हैं इतना बार ठाकुर जी का चरण कमल गिरे हैं भाई अंत तक अपेख्या करना चाहिए ठाकुर जी अभी नहीं देंगे हमको कुछ ठाकुर जी को पता है उनको अभी बिल पास कर दूंगा हल्ला गुल्ला करेंगे मेरा भगवत दर्शन हो गया <laughs> अभी कुछ नहीं है देखो अभी कुछ नहीं है। कितना है। अभी कुछ कुछ नहीं नहीं है 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 कितना एडवर्टाइजमेंट यूट्यूब में बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट वो शुद्ध भक्त है हम भी कुछ बोल लेते ना बोलते हाँ शुद्ध भक्त हो गया इतना तो अगर भगवत दर्शन हो गया मैं एक बार बोल दिया तो गया भगवान की भगवान को उठा देंगे मंदिर से हमको बैठा देंगे इसीलिए आप शरणागत पूर्णात्मा हो जाइए फिर भी कलजुग में ठाकुर जी आपको अभी कुछ नहीं बोलेंगे जब मरने के लिए जा अंतिम जब क्या बोले श्वास अंतिम श्वास पर ठाकुर जी बोले जैसे भिष्म देव के पास आए थे ऐसे हमारे पास आएंगे हम कलजुग आदमी है ना ठाकुर जी को पता है उन वो इतना किए है ना अभी क्यों इसको बीच में छोड़ूंगा अंतिम में उसको दे दूंगा पास में ले जाऊंगा बस ऐसे ठाकुर जी करोड़पति कभी ऐसा मना कर देता है मना कर देता है ठाकुर तो मना नहीं कर सकता क्योंकि हम तो उनको पकड़ कर रहे हैं अंतिम तक हमको भाव को लेना है प्रणाम तो कर रहे हैं लेकिन ऐसा है। मैं आपका मैं जाऊंगा आपका कुत्ता का यह भाव है कुत्ता का भाव है देखो कुत्ता को मारकर आप भगा दीजिए वो आपका घर में नहीं रहता है लेकिन मारकर अपने कभी देख लेता है ना तो आपका पीछे भगकता है <laughs> वो घर में नहीं है भागता है क्योंकि उनका ये अभिमान है मैं उनका था ना हम हाँ लोग तो कुत्ता से भी गिर गए छोड़ देते देते संबंध अंतर से फेंक देते हैं। समझ रहे हो ना कुत्ता बाहर सर पास में नहीं रहता है, लेकिन अंतर में उनका अभिमान है जब भी देख लेता है ना उनका बच्चा को उनका लड़की को स्कूल जाते हैं छोटे छोटे बच्चे लड़की मैं देखा हूं उनका पीछे पीछे भागता है कि ये मेरा मालिक का लड़का है हम हाँ तो इससे भी आकृतज्ञ हृदय ना जिन लोगों का अंतर में कृतज्ञ भावना नहीं है गुरु जी कृष्ण भक्ति नहीं होता भक्ति बहुत विशाल है प्रेम लेकिन जैसे प्रभु बोलते हैं बैकडोर की है आचार्य लोग भी इसी सूत्र से सब बैकडोर की दिए जाने के लिए भी है उपाय है तो महान भक्ति तत्व तो तो आप सुनेंगे तो आप सोचेंगे इस जन्म नहीं करोड़ जन्म में प्रभु जी के पास में नहीं जा सकता हूं यह सही बाब है इसीलिए तो धनियात्मिका भक्ति उदय होता है हमारा आचार्य लोग तत्व के ऊपर ज्यादा फोकस इसीलिए कर देंगी हम कभी कभी सोच लेते हैं कि मैं परफेक्ट हो गया लेकिन भक्ति भक्त ऐसा है ना इतना सुंदर है करुणा के ऊपर है मैं आपका घर में जाऊंगा आप अगर अलाउ करेंगे तो मैं जाऊंगा मैं कितना क्वालिफाइड पर्सन हूं तो क्या करें प्राइम मिनिस्टर अगर आ जाएगा ये मेरा छोटा कुड़िया है मानो पलिथिन का फ्लैट है रहते हैं ना मुंबई में पलिथिन में क्या बोलते हैं झुपड़ी में प्राइम मिनिस्टर खड़ा होकर बाहर रहेगा ये मेरा कमरा है तुम हो सकते हो प्राइम मिनिस्टर मैं अलाउ करूंगा तुम आओगे कि नहीं एक गरीब आदमी के पास इतना ताकत है अब भगवान तो कितना बड़ा है वो जो बुलाएंगे तो हम जाएंगे हम क्या बोलते हैं मैं इतना माला करता हूं मुझे जाना है ठाकुर बोल तू कौन हो तुम कौन हो मेरा घर में आने के लिए तुम कौन हो आप कितना भी साधन कीजिए भक्ति भगवान इंडिपेंडेंट है स्वतंत्र है इसका मतलब यह नहीं कि हम साधन नहीं करना है हम साधन करते हैं उनको उनका हृदय को बिघलने के लिए कृपा आकर्षण करने के लिए इसका मतलब यह नहीं कि हमारा राइट है ये सिद्धांत बिल्कुल अलग है ये भावना जगत पर रहता है ना तो साधन में सिद्धि नहीं होता है हम साधन करने कर, जैसे मांगने वाले मांगने वाले का क्या राइट बताइए आप मान लो आपको रडपोतिया मैं भीख मांग रहा हूं मांगना मेरा राइट है देना आपका राइट है अब नहीं दे सकता हूं मैं कुछ नहीं कर सकता मैं कितना बार मांगूंगा इसमें क्या है लेकिन मांगने से मिलता है इसीलिए मैं मांग रहा साधन का प्रिंसिपल यही है तुम कहां भी रहो ब्रज में रहो कितना माला करो मैं मानने वाला नहीं हूं हमको सिद्धांत बताए भाई हम मान लेंगे हम नहीं मानने वाला है तुम किसका हो तुम गुरु का हो क्या कृष्ण का हो क्या जिनको मांग रहे हो तुमको स्वीकार किए क्या तुम कितना स्ट्रॉन्ग साधन करो लेकिन साधन ढीला नहीं करना चाहिए साधन कर रहे हैं मांग रहे हैं। जैसे मांग रहे हैं उनका अंतर में थोड़ा बिगल जाता है करुणा आता है वो दे देता है साधन हमको ज्यादा शुद्ध करता है भगवान को शुद्ध नहीं करता है भगवान कृपा आकर्षण करता है हमारा प्रार्थना हमारा मुठ लेकिन भगवान इंडिपेंडेंट इसलिए कभी किसको कृपा कर देते हैं जैसे चक्रवात बोले हैं ना जड़ भरत के प्रसंग में पिताजी को जो कृपा भरत महाराज ने नहीं किए भाई जी को जो कृपा नहीं किए अलग कृपा किए हैं दर्शन दान कर कृपा किए लेकिन देखो डका है जो चोर का ऊपर कैसा कृपा हो गया कैसा कृपा हो गया देवी को दर्शन किया ना चोर देवी देवी कैसे प्रकट हो गया चोर के सामने भरत महाराज ने ब्रह्म तेज से भरत महाराज ने प्रार्थना है देवी को आप क्या सोचते हैं देवी ऐसे प्रकट हो जाएंगे चोर के सामने पूजक के सामने देवी जी प्रकट नहीं होते चोर के सामने कैसे प्रकट हो गया भरत महाराज ने प्रार्थना की इतना चोरी किए मुझे मारने के लिए जो कोशिश कर रही कितना गंदा आदमी है मान जी आप प्रकट हुए उनको दर्शन दीजिए उनको उद्धार कीजिए ब्रह्म तेज से खुद खुद का जो ब्रह्म देखिए कमेंट्री में क्या लिखे चक्रवात वो प्रार्थना किए देखो कृपा कैसा है राजा रोहगण वो गुरु पूजा बिल्कुल नहीं किए गाली देना उनका गुरु पूजा था श्री गुरु पद बोले हैं कभी नहीं बोले डांटने लगे तुम कौन हो मर गए हो क्या तुम इतना मोटा हो क्यों नहीं ढो रहे हो उनका यही उपासना था और उनको सब तत्व प्रेम तत्व तक सब बोलती हाँ यही है कृपा शरणागति का मतलब यही है गुरु जी को आचार्य को सब मैं आपका हूं ये भाव को हमको पकाना है ये भाव लेकर श्रवण कीर्तन अर्चन बंधन सब कुछ करना है तो अगर तीव्र भक्ति श्रवण कीर्तन डायरेक्ट भक्ति नहीं होता है ना शरणागति उसको पोषण करता है पोषण कर लेता है तो इसका लक्षण क्या क्या है ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है टाइम हो जाता है बहुत बड़ा टॉपिक है इसके इसका लक्षण जानना चाहिए आपको तो पता है अनुकूल से संकलम प्रतिकूल से बड़जन इसका भाव भी मैं लूंगा लेकिन पहले उसका स्वरूप क्या सोचना चाहिए अरे गीता में कहा है कोई प्रश्न करेगा सांप्रदायिक कोई दूसरा लोग बोलेंगे क्या आप श्रवण कीर्तन कुछ नहीं करेंगे शरणागत हो जाएंगे इसका प्रमाण ठाकुर जी कहां बोले क्या तुमको उद्धार करेंगे जो कमेंट देखना है सनातन गोस्वामी क्या बोले हैं गीता में दो श्लोक चुने हैं सनातन गीता में एक श्लोक और भागवत में एक श्लोक नहीं नहीं ऐसा नहीं सर्वधर्मान परितेज्या। गीता से है। और ऐसा जैसा श्लोक है ना एकादश कंध में ऐसे ही श्लोक ठाकुर जी ने चौदना प्रति चोदना उद्धव को बोल रहे हैं इधर अर्जुन को बोल रहे हैं उधर क्योंकि आप ऐसे बोल देने से कोई बोलेगा सेंटिमेंट है शरणागत से सब कृतार्थ हो जाएगा ठाकुर जी कहां बोले हैं शरणागत हो जाने से भय से मुक्त तो मिलता है लेकिन भक्ति होगा इसका कोई प्रमाण है समझ रहे हो ना मैं शरणागत हो जाऊंगा ठाकुर जी मुझे खाने पीने को दे देंगे प्रोटेक्शन दे देंगे लेकिन भक्ति होगा इसका प्रमाण क्या मुझे हमको देना है सनातन लिख रहे हैं मां महासूच जो लिखे है ना इसका सनातन कैसे लिखे कितना सुंदर भाव से लिखे अर्जुन को डरो मत है ना पाप का प्रतिक्रिया से मैं उद्धार करूंगा लेकिन इसका अर्थ सनातन दूसरा अर्थ मामिक शरणम ब्रज बोले हैं ना हम शरणागत भगवान के आदेश है हम शरण जाना चाहिए शरणागत होकर करना चाहिए तो उसका स्वरूप क्या है उसका लक्षण क्या है उनका लक्षण आनुकूल्य से प्रति जो छह है ना उसका लक्षण सुनेंगे ठीक है अभी तो टाइम हो गया है कोई तो प्रश्न है तो पूछ सकते हैं

बार बार ही भाव प्रार्थना करना चाहिए लेकिन साधु संग करने से साधु लोग भक्त लोग जिन लोग ऐसे ठाकुर जी को समर्पित हुए हैं ना वो लोग संग सं करने से वही एक ही रास्ता दिखाएंगे आपको आप जितना क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना उस आप बोलेंगे मेरा भजन नहीं हो रहा है मेरा साधन नहीं हो रहा है वो घूम फिराकर वही पथ पर जाओ ठाकुर जी का शरणागत हो क्योंकि वो शरणागत में है ना नामिक शरण है जिसे हमारे गुरु जी थे अब हम कुछ भी क्वेश्चन करे तो एक बात हमको बोलते सही से नाम करो अरे हम किसी डिरेक्शन में आप पूछो एक बात हम बोलते हैं। और अगर आप ज्यादा बोलेंगे ना बोलेंगे तुम विदेशी हो क्या वो लोग ज्यादा क्वेश्चन करते हैं क्योंकि उन लोग का पहले से उनको पता नहीं तुम भारतीय हो तुम इतना प्रश्न क्यों कर रहे हो हम कैसे बोलते थे वो लोग क्वेश्चन करेंगे उनको अलाउ करते थे क्योंकि उन लोग का पहले से उनको पता नहीं है ना बैकग्राउंड अलग है था वो अभी नए नए आ रहे हैं लोग क्वेश्चन करेंगे तुम इतना क्वेश्चन क्यों कर रहे हो तुम सिर्फ नाम करो नाम नाम करो मतलब नाम का 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 में जाओ गुरु जी का सरन, नाम जी का जितना समाधान ये बार बार हाँ इसी को सुना एक। गुरु मुख से इतना ही है सुनते हैं हाँ। आप तो उसको पकड़ना चाहिए लेकिन पहले से भाव रखना चाहिए रोज में आपका है ना हाँ, बोलो हरे कृष्णा महाराज मेरा प्रश्न था कि हम कोई भी चीज करते तो ये कैसे पहचाने कि मैं ये भाव से कर रहा हूँ या नहीं कौन से भाव से मतलब रीडिंग तो इसमें भाव है कि नहीं ये कैसे पहचाने रीडिंग चैंटिंग में आपका भाव है कि नहीं हाँ ये कैसे आ, पहचाने आपको स्वाद लगेगा आप भोजन कर रहे हो आपको चलेगा मैं भोजन कर रहा हूँ कैसा पता चलेगा मुझे भोजन कर रहा है मतलब स्वाद आएगा आप रीडिंग चैंडिंग कर रहे हो ना इसका मतलब सही से कर रहे हो इसका मतलब आपको स्वाद आएगा और और एक सेल्फ प्यूरिफिकेशन होता है श्रवण कीर्तन का काम होता है खुद का सफाई खुद करना खुद का पिटाई खुद करना खुद का पिटाई कभी क्यों हो खुद का पिटाई <laughs> पिटा नहीं क्यों हो देखो खुद का पिटाई ऐसा होता है जो सुन लेते हो ना पढ़ लेते हो ना क्या कर रहा हूं मेरा जीवन बर्बाद हो गया खुद का पिटाई सही रीडिंग है गुरु से जब सुन लेते हैं ना तब तो पछताते हैं क्या मैं कर रहा हूं मैं शिष्य नहीं हो सकता हूं खुद का पिटाई खुद का होता है ऐसा नहीं खुश हो जाते हैं हाँ मैं ऐसा हूं नहीं कभी नहीं शास्त्र में जितना गहरे में जाएंगे ना उतना आप शास्त्र आपको तपाते हैं सोचता नहीं है ना क्या इसको चक्री पद ने, ने कमेंट में लिखा है श्रवण हम क्यों करना चाहिए हर दिन वही एक बात को क्या सुनना है हमको पता चल गया नाम करना है शरणागत लेकिन हमारा इतना अंतकरण में दोष है वो हमारा पकड़ में नहीं आता है हम सोचते हैं मैं तो भजन करता हूं मैं शरणागत हो गया हूं लेकिन अंतकरण में कहां, कहां दोष है शास्त्र में आचार्य का टीका शास्त्र श्रवण करने से अरे ये मेरा दोष है इसीलिए मेरा प्रगति नहीं हो रहा है कभी कोई साधक खुद पकड़ साधक का खुद खुद का पकड़ में नहीं आता है अंतकरण का जो सूक्ष्म दोष सटल फॉल्ट शास्त्र श्रवण में आता है इसलिए हम सही से पढ़ाई करेंगे सही से श्रवण करेंगे ना खुद का पिटाई खुद हो जाएगा सुधन हो जाता है ठीक है संडे है ना वो प्रसाद लेते हैं सब जगह में प्रसाद लेते हैं हरे कृष्ण महाराज ठीक है <coughs> महाराज एक प्रश्न था आपने कहा कि शरणागति का एक मुख्य लक्षण है शास्त्र में श्रद्धा होना आ? और फिर आगे जाके आपने कहा कि श्रवण कीर्तन न होते हुए भी शरणागति हो तो वो भी कीर्तन में तिब्रता नहीं आम आ, 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 नहीं सामर्थ्य सामर्थ्य एक, एक एक नहीं तो अलग अर्थ हो जाएगा हाँ, फिर हाँ, माफ करना हाँ। तो वो होने पर और अगर शरणागति है फिर भी उसको आप वो स्तर पर मान सकते कि वो उच्च आत्मनिवेदन शरणागति है तो तो अगर वो उसका शास्त्र में श्रद्धा नहीं है तो वो शरणागत नहीं है और श्रवण कीर्तन नहीं करने पर भी शरणागति है तो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं मालूम पड़ता है नहीं क्या, नहीं क्या मैं मेरा समझ आपका क्वेश्चन आपने पहले कहा कि शरणागति का लक्षण है कि शास्त्र में श्रद्धा होना हाँ। और फिर आपने कहा कि श्रवण कीर्तन में वो असमर्थ है लेकिन फिर भी उसमें शरणागति है क्यों बोला जा रहा है अगर कोई शास्त्र श्रद्धा शास्त्र नहीं शास्त्रीय श्रद्धा शास्त्रीय श्रद्धा मतलब सर्वकर्म कृता है हाँ। मैं भगवान के लिए सब कुछ कर रहा हूं इस, इसका टर्म है शास्त्रीय अच्छा। जो कर रहा हूं भगवान के लिए जो सेवा कर रहा हूं नाम कर रहा हूं इसी में मेरा कोई दूसरा काम नहीं है भगवत काम है यह शरणागति का लक्षण है अगर कोई तीव्र भक्ति श्रवण कीर्तन अर्चन बंधन तीव्र से नहीं कर रहा है या कर रहा है दोनों के लिए यह ऐड करना चाहिए शरणागति ये भाव सबको पोषण करता है जैसे कि छोटा उदाहरण लीजिए आप टॉप में कोई पेड़ डाले हैं पेड़ डाल दिए हैं, रोपण किए हैं समझ रहे हैं ना टफ है मेरा हिंदी इतना शुद्ध नहीं है टफ में आप कोई पेड़ आप लगाए हैं इसमें जो मिट्टी है इसको खाने इसको इतना क्या बोलते हैं पोषण नहीं कराए वृक्षों को फल फूल नहीं होता है तो आप क्या देते हैं फर्टिलाइजर थोड़ा दे देते फर्टिलाइजर तो पहले किसको क्या करता है मिट्टी को मिट्टी को पकड़ता है ना उसका बाद मिट्टी से लेता है फर्टिलाइजर तो हम देते हैं ना कुछ आड करना पड़ता है क्योंकि अभी वो फेड फल फूल देने में समर्थ नहीं है उनको इसे हम श्रवण कीर्तन कर रहे हैं हम साम जैसे उदाहरण दिया हम ऐसे नहीं है तो अभी जैसे फर्टिलाइजर अब देते हैं ना शरणांगति को मान लो ऐसे है उनको देना है उनकी सिवा नहीं हो सकता है उनकी सिवा नहीं हो सकता है और आग, अगर कोई फल फूल देता है इसमें फिर भी फर्टिलाइजर दे दो फिर क्या होगा ज्यादा होगा आप श्रवण कीर्तन कर रहे हैं फिर शरणागत हो गए भाव और पक जाता है इसका मतलब आचार्य लोग ये दिखा रहे हैं कि शरणागति कंपल्सरी है लेकिन ये हम लोग के लिए आसानी है क्योंकि जो समर्थ साधक नहीं होते हैं एक 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 अंग पर पूरा टिक कर रहना दृढ़ विश्वास करना इसको जाजन करना में समर्थ नहीं है शरणागत को पकड़कर थोड़ा साधन करने से उनका कल्याण हो जाता दोनों दोनों क्या बोले सनातन और जीव दोनों पास पास चल रहे हैं अरे सनातन जीव गोस्वामी का संज्ञा अलग है वो यही बात बोले भगवान को सिर्फ रक्षक मानना है मैं भूल गया बोलने के लिए अब मेरा रक्षक है इतना तुम मान लो शरणांगत हो गया तब कोई क्वेश्चन करता है तो भगवान को रक्षक मानने से भगवान कैसे प्रोटेक्शन हम देंगे क्योंकि भगवान भक्त वत्सल है कृतज्ञ है समर्थ है बदान्य है हमारा भाव को वो नहीं देखते हैं हम जब शरणागत हो जाते हैं रक्षक मान लेते आप मेरा प्रोटेक्टर है देखो ये भाव जीव का भी है मैं कल घर छोड़ दूंगा आज मैं आश्रम में हूं संन्यासी हूं मैं आश्रम में बोलूंगा अभी मैं आपका शरण में गया हूं आपका घर के सामने में बैठूंगा खाने पीने का आप सब व्यवस्था करेंगे देखो कोई भी जीव बोल देता है ना प्रभु जी मैं आपका शरण में हूं हम खुश लगता है प्रोटेक्शन करने के लिए जीव का अंतर में भाव तो अगर कोई ऐसे भगवान का शरण में चले जाता है तो भगवान जीव को समय का भाव रक्षक मन नुम तो रक्षक पलक अमर तुमार चरण बिना आशा नार ये भाव है ठीक है ना ठीक है हरे कृष्ण ठीक है अंतिम है तुमको नहीं पूछ तुम कल पूछे थे ना बैठ जा तुम आगे बैठो इसका मतलब ज्यादा ले रहे हो <laughs> <laughs> जैसे हम ड्यूटी से भक्ति पे जाते हैं तो भी हम दोष नहीं लगता है आपने बताया तो देवऋषि भूतात तो लेकिन जैसे भक्ति रसा सिंधु 2.256 की मुमुक्ष भी परित्यागो वैराग्यम फलगु कहते थे कभी कभार मन में ये प्रश्न आता है कि किसी भी चीज को अगर हम भगवान से अलग देखते हैं तो वो आ, नहीं है सही और दूसरा ये भी मन कहता है कि सॉफ्ट एक तो भक्ति करने से थोड़ा हार्ट बहुत सॉफ्ट भी हो जाता है तो हम ये भी सेवा है ये भी सेवा है। ऐसे ये तो भक्ति क्या है और माया क्या है समझ में नहीं आता नहीं 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 यही तो अंतर हो जाता है ना जैसे आप बोले हैं ना है नित्य फल रहेगी तो इसका मतलब क्या है शास्त्रीय पर, स्तर पर नहीं है ना शास्त्र इसलिए सनातन गोस्वामी ने उनका सेवक को भगा दिया सेवक क्या थे जब पास में आए थे ना ईशान ईशान को निकाल दिया तुम ब्रज में जा रहे हो त्यागी बनने का इच्छा है तुम मेरा नो करते मैं तो सब कुछ छोड़ कर आया लेकिन वो लाए थे किसके लिए खुद के लिए लाए थे क्या वो सनातन के लिए लाए थे जो जितना सोने का पैसा उनका पास था वो सनातन के लिए लाए थे कि उनको पता था ना सनातन निष्किंचन है वो बीच में जा रहे हैं रास्ता में और कुछ नहीं मिलेगा ना उसको बेचकर मैं सनातन का सेवा करूंगा और ब्रज में यू तो निष्किचन किस मांगने वाले नहीं वो उनके लिए लाया था फिर वो डकैत के पकड़ में आ गए वो तो ले लिए लेकिन उसका पास और भी दो था दो या तीन ऐसे था तो जब वो पहाड़ क्रॉस किए तब तो सनातन ने पूछे ईशान तुम्हारा पास और कुछ है क्या बोले मेरा पास और दो है बोले तुम काल को क्यों पास में रखे हो सनातन ने से बोले काल है तुम इसको क्यों पास में रखो तुम्हारा अधिकार नहीं त्यागी बनने का तुम्हारा अधिकार नहीं तुम्हारा आ सकते भरोसा नहीं आसक्ति की वजह नहीं बोले देखो वो सनातन की सेवा से लाए थे सनातन की सेवा करने के लिए लाए थे लेकिन तुम की, इनका क्यों भरोसा कर रहे हो पैसे का भरोसा कर रहे अभी तुम्हारा नहीं। चलो। तो हा, हो जाता है इसका मतलब नहीं हम कंप्रोमाइज करेंगे ये है। भक्ति करने से कभी वीकनेस नहीं आता है।, ये है मुझे ये करना, ये करना नहीं भक्ति इसलिए इसमें कहा इसको आ, कहां से जुड़ेंगे सिद्धांत को आ, भरत महाराज भरत महाराज का सिद्धांत क्या है पूरा इतिहास का सिद्धांत एक है दया करना है आसक्त नहीं होना है वैष्णव दया में आसक्त नहीं है इसलिए गुरु चेला बनाते हैं इसका मतलब नहीं चेलापुर आसक्त होते हैं चेला पैसा दिया मंदिर बना है इसका मतलब नहीं चेला का गुरु जी आसक्ति होंगे उनका आसक्ति ठाकुर जी से दया करो आसक्ति मत अरे इसमें कमेंट्री चक्रवाद क्या लिखे है? देखो हमारा जो जितना है भक्ति दया करना है क्या भक्ति युक्त दया भक्ति युक्त क्षमा जिसको दया कर रहे हैं अगर उनका भक्ति नहीं होगा शुद्ध भक्ति नहीं होगा तो यह हमारा वीकनेस हो जाएगा अरे टाइम वेस्ट भी हुआ ये कर्म है इक, हमारा कर्म में है तो इसीलिए जिम्मेदारी तो है जैसे त्यागी लोग हम लोग हैं हमारा कोई नहीं है हमारा कुछ जिम्मेदार नहीं है जो घर गर गृहस्थ में है उनका तो रेस्पॉन्सिबल है पति पत्नी उनका स्टेज पर है जैसे हम लोग त्यागी हम लोग का कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं है ब्रह्मचारी गुरु सेवा फिनिश और पिता क्या हो रहा है माता क्या हो रहा है कुछ नहीं ये शास्त्रीय श्रद्धा है और जो सब छोड़कर भगवान की सेवा गुरु का सेवा कर रहे हैं उनका पिता माता का भलाई नहीं होगा होगा कि नहीं आप बताइए अगर हम करेंगे हम क्या मदद कर सकते हैं उनका कर्म फल है तो मान लो आप अकेले हैं आपका पिताजी को पैरालिसिस हो गया आप क्या कर सकते हैं शास्त्रीय श्रद्धा पर स्तर पर जाना चाहिए शास्त्रीय श्रद्धा में यही है गुरु कमल गुरु चरण कमल कृष्ण चरण कमल और जो है ठाकुर जी का जिम्मेदारी है मैं उनका मेरा ड्यूटी है परफेक्टली इसमें लगे रहना ठीक है ना अंतिम टाइम हो गया हरे कृष्ण महाराज महाराज एक जगह पे आप बता रहे थे कि लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गुरुजन हमको कुछ बोले कुछ गलती वगैरह बताएं हम लोग बाहरी रूप से मान लेते हैं आंतरिक रूप से नहीं मानते हैं तो उसमें बोल रहे थे आप कि सणागति में जो सबसे बड़ा बाधा है वो यह है कि हमारे पास डुप्लीसिटी है कट कुटलता हाँ, कुटिलता कुटिलता है तो आ, अंदर कुछ और बाहर कुछ और तो महाराज जनरली मतलब कुछ डिग्री तक होता है तो उससे हम कैसे आ, बाहर आ सकते हैं उसका सोलूशन क्या है कैसे इसीलिए तो गुरु पूजा में हर दिन आना चाहिए गुरु पूजा मैं बार बार बोलता हूँ गुरु पूजा में गुरु पूजा हमारा ध्यान है समझ रहे हो ना श्री गुरु चरण ये जो पद्मी आ गुरु पूजा ये हमारा ध्यान है जो कि लोग जैसे ध्यान लगाते हैं ना हमारा ध्यान यही है इसमें दो पद है हमारा जीवन का लक्ष्य है गुरु मुख वाक्य श्री गुरुचरणारति इसको रियलाइज करना ये हमारा ध्यान है मेडिटेशन है क्या आ, यह हमारा मेडिटेशन है इसका समाधान और कोई नहीं है डुफ्लिसियसनेस क्यों आता है ये छोटे लड़का का डुफ्लिस जाता है हमारा क्यों आता है डुफ्लिसियस मतलब क्या है जब हम फॉलो नहीं करते हैं तो डुफ्लिसियसनेस होता है आप बोल दिए महाराज इधर रास्ता है हम चले जाएंगे तो हमारा डुफ्लिसनेस हुआ क्या क्योंकि आपको मैं फॉलो कर रहा हूं आपका इंटेजेंट मैं फॉलो कर रहा हूं अभी मैं सरल हो गया अभी हम छोटा बच्चा नहीं बन सकते हैं लेकिन हमको फॉलो करना है इंटेलिजेंट को फॉलो करना है किसका गुरु शास्त्र तो सरल हो जाएंगे इसका शिवार को दूसरा नहीं और एसोसिएशन चाहिए जो गुरु और शास्त्र से इतना विश्वास है उनका एसोसिएशन करो कोई सरल बनता है ना फॉलो करने के बाद इसलिए बच्चे सरल होता है जब बड़े हो जाते हैं ना वो अभी फदर मदर को फॉलो नहीं करते तो आ जाता खुद खुद को समझना हमको समझाना मन को समझाना है नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए तब तो फॉलो करना है गुरु हो गया ठीक है हरे कृष्ण तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी महाराज जी ने बहुत सुंदर प्रकार से शरणागति तत्व का विश्लेषण किया है और जैसे महाराज ने कहा कि आगे जाकर भी इसका गहराई से विश्लेषण होगा हम सर्वप्रथम धन्यवाद प्रदान करेंगे अल्दर महाराज को अपने पारंपरिक पद्धति से एक बार हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे साथ ही साथ महाराज श्री का दिव्य संघ हमारे लिए यहाँ पर महाराज उपस्थित हुए हैं देने के लिए तो आज साढ़े ग्यारह से एक बजे तक उत्तम नगर मंदिर में महाराज श्री का प्रवचन होगा साथ साथ ही कल सोमवार और और परसों मंगलवार के दिन जुलाई भागवतम क्लास एनवीसीसी में महाराज श्री प्रदान करेंगे और आठ तारीख को बुधवार के दिन राधा कुंज बिहारी मंदिर में महाराज का क्लास होगा और इन प्रवचनों के दरमियान हम इस तत्व पर हमें आशा है कि बहुत गहराई से और श्रवण करने का मौका हमें प्राप्त होगा तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इसका अवश्य लाभ ले आने वाले शनिवार के दिन 11 जून 2022 हजार बाईस ये पांडव निर्जल एकादशी का, का महापर्व हम मनाएंगे और उसका पारण समय अगले दिन रविवार के दिन यानी जून के दिन सुबह पांच बजकर अठान से दस बजकर बाईस मिनट तक होगा साथ ही साथ आप जानते हैं आषाढ़ मास में पंडरपुर यात्रा होती है तो देहू से पंडरपुर दिंडी का रजिस्ट्रेशन जो है वो प्रारंभ हो चुका है जिन भक्तों को इसका रजिस्ट्रेशन करना है दिंडी में सहभाग लेना है सम्मिलित होना है वे रजिस्ट्रेशन काउंटर पर या इन्फॉर्मेशन सेंटर पर एनवीसीसी के इन्फॉर्मेशन सेंटर पर रजिस्ट्रेशन काउंटर लगा हुआ है वहां जाकर संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इसका समय सुबह दस बजे से शाम चार बजे तक रहेगा तो जो भी भक्त इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं कृपा करके इसमें सहभाग लें बहुत बहुत धन्यवाद हरे कृष्ण, अरे कृष्ण।